आज मैं खेवड़ा गांव में हूं और हमारे साथ हमारे किसान भाई राम प्रकाश जी हैं। 25 जनवरी का तारीख है आज, तो इस समय गेहूं में पीले रतुए की शिकायत आने की संभावना रहती है मौसम के अनुसार। तो उसका जो पीले रतुए का जो सिम्टम होता है उसमें और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में बहुत कम अंतर होता है, तो उसको किसान कैसे पहचानता है? हम अपने किसान भाई से ही पूछते हैं, बताइए जी आप कैसे पहचानते हो उसको? जब गेहूँ के अंदर ऊपर से पीला पत्थर होना शुरू होता है और ऊपर से होता होता है नीचे तक जहाँ से बाल निकलती है वहाँ तक चला जाता है, उसमें एक पाउडर फ्रेम सा आ जाता है, और जब हम हाथ खेत में मारते हैं यूं करके तो उसके अंदर हाथों पे पीला पीला पाउडर सा लग जाता है, पाउडर लग जाता है। ये है जो असली पहचान है जो अपने किसान भाई बता रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। जब हम किसी पत्ते को देखते हैं जो पीला रतुआ के जैसे सिम्टम लेके रखता है वो इसी तरह का होता है, और उसके ऊपर जब आप ऐसे अंगूठे या उंगली से हाथ फेरोगे तो आपके अंगूठे पर उंगली पर पाउडर आ जाएगा, पीले रंग का ब्राउन कलर का पाउडर आ जाएगा। तो वो अगर पाउडर आता है तो ये समझो उसमें पीले रतुए की शिकायत है, नहीं तो वो डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके लिए आपने अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करके दवाई का प्रयोग करना चाहिए, और फिर भी इसके लिए जो है हम प्रोपिकोनाजोल और ट्यूबेकोनाजोल का 200 से 250 मिलीलीटर लेके और 200 लीटर पानी में उसका स्प्रे करते हैं। उसके लिए हमें फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का प्रयोग करना चाहिए, बूम लगा के उसमें तब उसका स्प्रे हमें करना चाहिए, उससे इसका रोकथाम हो जाती है। और सभी किसान भाइयों को ये इसके जो सिम्टम है वो ज़रूर समझ लेने चाहिए। कई बार किसान भाई बगैर सिम्टम के डेफिशिएंसी में भी प्रोपिकोनाजोल का या ट्यूबेकोनाजोल का स्प्रे कर देते हैं जो ठीक नहीं होता। इसके लिए आप अपने अधिकारी से संपर्क जरूर करें।